अगला सवाल है, मेल एंड फीमेल सी अर्चन्स रिलीज देयर स्पर्म एंड एग्स इनटू द वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सी अर्चन्स बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स है जिनका ताल्लुक जो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से होता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि मेल और फीमेल सी अर्चन्स अपने स्पर्म और एग्स जो है वाटर में रिलीज करते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रही है तो ये होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब सवाल में हमसे पूछा जा रहा है हाउ कैन द रिप्रोडक्शन बी डिस्क्राइब, हमें यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन बतानी किस तरह की, किस किस्म की यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रही है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। अब देखें यहाँ पे जो है स्पर्म और एग्स दो डिफरेंट जो है गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि जब दो डिफरेंट गैमेट्स जो है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह की रिप्रोडक्शन कहलाती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जबकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही जो है फर्दर जो है ऑफस्प्रिंग आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दो ऑप्शंस इस चार्ट के, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग, ये भी नहीं होगा, और सेकंड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ से आंसर में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट के दो ऑप्शंस जो है इनमें से हमारा कोई आंसर होगा। पहला है सी ऑप्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट इन जेनेटिकली डिससिमिलर ऑफस्प्रिंग, और डी ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। अब हमें ये बात भी पता है कि जब दो डिफरेंट पेरेंट जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो जो एक नया ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स से जो है मुख्तलिफ होता है। तो ये इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन जेनेटिकली डिससिमिलर ऑफस्प्रिंग।